गौरव आर्या कंसल्टिंग एडिटर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आरजू काजमी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। थोड़ी देर में मेरे साथ इरशाद अहमद साहब भी जुड़ेंगे, पीएमएलएन के नेता हैं। और रतेंद्र भाटिया साहब थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जनरल बख्शी साहब, पहला सवाल आपसे जो मैंने पूछा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया, क्योंकि अब देश से तो ये मांग उठ ही रही है, बल्कि अब दूसरे देश भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश होता जा रहा है। देखिए, ये तो पिछले साल हो जाना चाहिए था जी। पिछले साल याद रहे, तीन बड़े हमले हुए हैं रजौरी पुंछ के इलाके में। ये पहले हमले में 5 हमारे जवान शहीद हुए थे, दूसरे में 5 और शहीद हुए, और जो दिसंबर में हमला हुआ था एयरफोर्स की कॉन्वॉय पे, उसमें 4 हमारे जवान साथी शहीद हुए थे। ये टाइम तो पिछले साल ही आ गया था कि इनको करारा सबक सिखाया जाए। देखिए, ये जो अटैक किया गया है, इसकी टाइमिंग देखिए, वहाँ हमारी सरकार का स्वेरिंग इन हो रहा है और यहाँ पे हमारी एक इनोसेंट पिलग्रिम्स की बस को इन्होंने भून डाला, और जो घिनौनी तरीके से वार किया है उसको सुनकर तो खून खौल जाता है। बात, उन्होंने बस के ड्राइवर पे फायर किया, उसको मार डाला, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, बस खड्ड में गिरी, और वहाँ पे ये लोग उतर के आए पहाड़ से, सड़क पे खड़े होके कोई जो बेचारे घायल बस की खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, औरतें बच्चे, उनको चुन चुन के मारना शुरू किया। ये तो किसी अकलमंद उनमें से एक था, उसने बोला कि चुपचाप लेट जाओ, मरे होने की एक्टिंग करो, तो हमारे केवल 10 मरे हैं और 42 घायल हुए हैं। दिस इज अ मास कैजुअल्टी स्ट्राइक। ये हमारी नई सरकार के मुंह पे पाकिस्तान ने तमाचा मारने की कोशिश की है, और मुझे पक्का यकीन है कि अब उनको इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। दिस कैनॉट बी अलाउड टू पास एंड दिस शैल नॉट पास। हम लोगों ने सोचा था कि पाकिस्तान की भारी इकोनॉमिक किल्लत है, 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही वहां के लोगों को, कि वो अपने लोगों की तवज्जो देंगे, लोगों को खाना पिलाना, कम दाम पे बिजली मुहैया कराना, पावर कट से बचाना, ये पाकिस्तान की सरकार का फोकस होना चाहिए था, जो कि सपोजिटली एक डेमोक्रेटिक सरकार है। बट ये सरकार की कुछ नहीं चलती, चलती है तो पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान की सेना की चलती है। सर, फौज की चलती है, इसीलिए ये हालत है। पाकिस्तान कैसे गर्त में जा रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हैं जैसा कि आप भी कह रहे हैं, लेकिन आतंक को पालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मेजर आर्या, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा हो। कोशिश एक तरफ ये कह रहे हैं, नवाज शरीफ ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समय आ गया है कि हमें 200 करोड़ लोगों के बारे में सोचना चाहिए, भारत पाकिस्तान को साथ मिलकर चलना चाहिए। किस हैसियत से ये बात कह रहे हैं वो, और अब जब ये बात कहते हैं उसके तुरंत ही बाद ऐसे हमले? जी धन्यवाद अनामिका। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जनरल जीडी बख्शी सर ने भी बोला, मैं बोलूँगा, फिर सब लोग बोलेंगे। वहाँ पे इरशाद जी आ गए हैं पाकिस्तान से और ये बोलने वाले हैं कि भारत ने खुद ही मरवा दिया अपने लोग। मैं पहले ही बता दूँ, ये बोलने वाले हैं। अभी देखिए, बात ये है कि ये बात करने का वक्त ना नहीं है, ये डिबेट का वक्त नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोगों की ये गलती है, इसमें भारत की गलती है। अगर आप पहले बालाकोट कर देते तो पुलवामा कभी नहीं होता। पाकिस्तान जब गलती करे ना करे उसका वेट नहीं करना चाहिए कि रियासी में हमारे 9-10 मार दिए, वहां पे 5 मार दिए, इसका वेट क्यों करना है? आपके घर में जैसे लॉन होता है, आप लॉन की घास काटते हैं तभी लॉन सुंदर लगता है, इसमें घास की कोई गलती थोड़ी ना है। तो पाकिस्तान गलती करे ना करे घास कटती रहनी चाहिए, और जब तक पाकिस्तानी, और इसमें मैं लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की भी गलती नहीं मानता, इसमें पाकिस्तानी आर्मी, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में पहुंचती हैं, जैसे हमारे लोगों की लाशें गांव में पहुंचती है ना सिविलियंस की, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचती और वहां के रोने दाने की चीखने की आवाजें इंडिया तक नहीं पहुंचती, तब तक आपके देश में शांति नहीं होगी। और जनरल जीडी बख्शी सर ने कल बहुत बढ़िया बात बोली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे दो पैर खोलो। मैं बता रहा हूँ, बात करने से कुछ नहीं होगा, ये ट्वीट करना, बात करना, अमन की आशा, ये 420 है, ये फ्रॉड है, ये दोगलापन है, ये 2 नंबर का काम है, कुछ बात नहीं, खून बहे
और पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी का खून बहे, कटते चले जाएं, कटते चले जाएं, कटते चले जाएं, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। जब तक इनको मारते रहो ये ठीक रहते हैं। फिर प्यार की बातें भी करेंगे कि हम लोग एक ही किस्म के लोग हैं। कल इरशाद साहब क्या कह रहे थे अर्नब की शो में, आपको पता नहीं होगा शायद, आपने देखी नहीं देखी, बहुत बढ़िया बातें इन्होंने कही। कह रहे हैं कि साहब ये तो इंडिया ने खुद करवा दिया, ऐसा मुसलमान कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा तो मुसलमान कर ही नहीं सकता। ओसामा बिन लादेन तो हिंदू था, ठीक है, ओसामा बिन लादेन हिंदू था, सुनिए सर, अल जवाहिरी जो था वो सिख था, ठीक है, और ये जितने भी हैं आपके लश्कर ए तैयबा जैशे मोहम्मद, ये सब हिंदू तो हैं, कोई नोएडा का रहने वाला है, कोई गाजियाबाद का रहने वाला है, कोई गुड़गांव का रहने वाला है, पाकिस्तानी तो कोई है ही नहीं सर, कोई पाकिस्तानी थोड़ा ना इसमें। भारत गलत बात कह रहा है, पाकिस्तान की इतनी अच्छी छवि है, पाकिस्तान की इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि इंडियन जलते हैं पाकिस्तान से, दूध और शहद की नहरें बहती है पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो जलती है पाकिस्तान से। इसलिए हम लोग मिलकर साजिशें करते हैं आपके खिलाफ सर, हम साजिशें करते हैं कि पाकिस्तान का नाम खराब कर दो। तो जब प्रधानमंत्री मोदी सवेरे उठते हैं तो काम पे नहीं जाते, वो पहले डॉक्टर जयशंकर को बुलाते हैं, वो अजीत डोवाल साहब को बुलाते हैं और कहते हैं पहले हम आधा घंटा बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में और तो कुछ काम होता नहीं है, यही काम होता है टू मोर सीरियस थिंग्स, टू मोर सीरियस थिंग्स बनाने का। इसका यही बात है कि जब तक रावी नदी खून से लाल नहीं होगी ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है। रावी को खून से लाल कर दो सब ठीक हो जाएगा, और ये हम कर चुके हैं एक बार पहले जब इनकी फौज भाग गई थी, जब इनकी फौज ने 92-93 हजार लोगों ने सरेंडर करा था। जनरल जीडी बख्शी इज विटनेस, ही हैज फॉट इन द 1971 वॉर, इज अ 71 वॉर वेटरन, ही नोज फार बेटर देन ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर, एंड आई थिंक यू शुड आस्क हिम, आप पूछिए जनरल साहब से, ये पाकिस्तानी फौज, इनके जो जनरल है सब गले पे बैठे हैं, इनके जनरल है चोर। कोई पूछे कमर जावेद बाजवा से कि तुम्हारे पास 1500-2000 करोड़ रुपए कहां से आए, कोई पूछे इन लोगों से कैसे फ्रांस चले जाते हैं, हमारा तो कोई 4-स्टार जनरल नहीं जा पाता, हमारा आर्मी चीफ नहीं जा पाता, इनके पास क्योंकि ये गल्ले पे बैठे हैं और इन्होंने अपनी लड़ाई आउटसोर्स कर दी आतंकवादियों को कि बेटा देखो हम तो फौजी फाउंडेशन में कैश गिन रहे हैं, हम तो कैश गिन रहे हैं, हमारा काम है पैसे गिनना, आप एक काम करो आप जाके भारत में जाके मासूमों को मारो, यात्रियों को मार दो, कोई टूरिस्ट है उसको मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो, ये हमारी गलती है, ये पाकिस्तान की गलती नहीं है नामे का, ये हमारी गलती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में प्रशासन ने परिजनों की मांग